भगवान ऐसा किसी के साथ लग रहे से मेरे साथ हुआ। शादी की खुशी मातम में बदली। दुल्हन राधा हाथों में मेहंदी लगाकर करती रही इंतजार, दूल्हा नहीं आया बारात। युवती के हाथों में सजी रही मेहंदी, बारात आने वाले दिन लड़के पक्ष के लोगों ने शादी करने से किया इनकार। पीड़ित लड़की पक्ष ने लगाया अतिरिक्त दहेज मांगने का आरोप। पीड़ित लड़की पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। औरैया जनपद में दुल्हन करती रही इंतजार, दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। पिता ने दहेज मांगने का लगाया आरोप। दूल्हा सहित 10 लोगों के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। राधा नाम है मेरा, वो 21 तारीख को बारात नहीं लेके आए हमारे यहाँ पे। हाँ। तो बोलने लगे, उनके पापा का फोन आया कि मेरा लड़का बारात लेके नहीं आएगा। मैंने कहा क्या हुआ बात के वो, तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे वो बुलेट गाड़ी चाहिए और क्या नाम लड़ चैन गोटी चाहिए, फुल दही चाहिए, बंदा बारात लेके नहीं आएगा, इतना नहीं दोगे आप लोग। आपको बता दी चले, और यहाँ के जनेतपुर गांव में राधा दुल्हन बनकर अपने दूल्हा अभिनव का वेट करती रही, इंतजार करती रही। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, वो वेट करती रही लेकिन वो नहीं आया। लेकिन उसे क्या पता था कि राधा उसका वेट कर रही है, वह उसे लेने नहीं आएगा और इंतजार की कड़ियां कभी खत्म नहीं होंगी। औरैया के गांव जनेतपुर निवासी राजू सिंह अपनी पुत्री राधा का विवाह इटावा जिले के गांव निधो मेड़ी निवासी राम नरेश के पुत्र अभिनव से तय किया था, जिसकी बारात 21 मई 2023 को राधा के गाँव जनेतपुर में आनी थी। शादी वाले दिन दुल्हन बनी राधा के पिता राजू का सपना बेटी के हाथ पीले करने का पूरा होने वाला था, लेकिन अफसोस की बात वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका सपना केवल सपना ही रह जाएगा। इधर उसकी बेटी राधा हाथों में मेहंदी लगाकर अपने होने वाले पति को देखने के लिए मन ही मन प्रफुल्लित थी, मन ही मन उतावली थी, लेकिन वो नहीं आया, बारात नहीं आई। आपको बताते चले, बारातियों के स्वागत के लिए सारे इंतजाम पिता राजू ने कर लिए थे। दुल्हन के पिता ने दूल्हे के पिता को फोन लगाया तो उसने बारात ना लेकर आने की बात कही। यह खबर सुनकर दुल्हन के पिता सदमे में आ गए। जब उन्होंने दूल्हे के पिता से बारात ना आने का कारण पूछा तो वह कुछ भी जवाब ना दे सके, कुछ भी जवाब देने के उसमें नहीं थे। इस खबर के बाद राधा के घर में सभी की आंखों में आंसू थे और शादी की खुशी मातम में बदल चुकी थी। दूल्हा व उसके पिता सहित 10 लोगों पर दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरे पास फोन आया था मेरे ससुर का, उन्होंने बताया मुझे राम नरेश नाम उनका। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला मेरे लड़का शादी नहीं करने, बोले इतना दो गए आप तो ही शादी करेंगे, उसके बाद में शादी नहीं करेंगे। हाँ, मेरे पापा को ऑपरेशन हुआ है और हमारे पास इतना कुछ है नहीं, हम लोग इतने पैसे वाले भी नहीं जो इतना सब कुछ दे सके। पहले तो कुछ भी मतलब नहीं हुआ था, अब मेरे पापा इतने बदनामी हो गए, कौन मेरे साथ शादी करेगा, कौन बैठा है। क्या क्या प्रशासन से न्याय चाहती हैं? मैं तो बस ये चाहती हूँ जहाँ तक भी पहुँचे ऐसा पहुँचे कि हाँ दहेज का ये नाम ही हट जाए, जहाँ भी जाए कोई लड़की की जिंदगी खराब ना हो जैसे हमारी जिंदगी खराब हो गई। मेरे पापा तक ऐसे हालत खराब हो गई उनकी, भगवान ऐसा किसी के साथ लग रहे से मेरे साथ हुआ। हमारे पापा ने अपनी आत्महत्या कोशिश करने की कोशिश भी की, मेरी माँ ने भी की, ऐसे अगर कुछ हो जाएगा उनका तो मैं क्या करती बताओ आप। ये दहेज का नाम हटना चाहिए इस दुनिया से, वरना ऐसी लड़कियों का घर बर्बाद होंगे, कौन करेगा मेरे साथ शादी, इतनी कोई नहीं करेगा। कि जगह तेरी शादी मना हो गई और ऐसा कुछ होगा तो क्या कौन करेगा मेरे साथ, कोई नहीं करेगा शादी। इस पे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ। इधर जब बारात न आने की खबर गांव में फैली तो गांव के प्रधान ने राजू के साथ जाकर पुलिस को पूरी बात बताई। फिलहाल बारात न आने के बाद लड़की के पिता राजू सिंह ने दूल्हा अभिनव और उसके पिता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दहेज की मांग की और उनकी मांग न पूरी होने पर यह बारात लेकर नहीं आए हैं। दुल्हन के पिता राजू सिंह ने कोतवाली औरैया में दूल्हा अभिनव और उसके पिता सहित 10 लोगों के खिलाफ दहेज एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया है। लड़के का पिता पुलिस हिरासत में है। सीओ औरैया प्रदीप कुमार ने बताया है बारात न आने के कारण पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़के के पिता को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थाना कोतवाली और एक ग्राम जनेतपुर में एक बारात जो इटावा से आनी थी नहीं आई, जिसमें लड़के पक्ष द्वारा बाद में बताया गया कि बारात नहीं आ सकती, जो है जिसमें लड़की पक्ष द्वारा जो है थाने पे तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीत कर लिया गया है और जो लड़के का पिता है उसको थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।